विगत कुछ माह से स्मृति ईरानी एक अलग ही मूड में है। उनका पूर्ववर्ती प्रोफाइल बतौर राजनीतिज्ञ जैसा भी था, परंतु बतौर महिला विकास एवं अल्पसंख्यक मंत्री उन्होंने गदर मचा रखा है। नमस्कार मित्रों, टीएफआई पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा स्मृति ईरानी के नए फॉर्म से और कैसे वह इस समय वक्फ बोर्ड की हेकड़ी ठिकाने लगाने को उद्यत है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में रिपब्लिक द्वारा आयोजित एक विशिष्ट सम्मेलन का हिस्सा बनी थी स्मृति ईरानी। इसी में उन्होंने बातों ही बातों में संकेत दिया कि कैसे आने वाले समय में राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड यानी नवाडको को भंग किया जा सकता है। यह पूछे जाने पर कि क्या आने वाले समय में नवाडको को खत्म कर दिया जाएगा, तो स्मृति ईरानी ने नवाडको के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे इसकी स्थापना मनमोहन सरकार में आम चुनाव से पूर्व जनवरी 2014 में की गई। स्मृति ईरानी के अनुसार नवाडको देश की अकेली सेक्शन 25 कंपनी है जिसे टैक्स पेयर से रुपए प्राप्त करने का अधिकार दिया गया ताकि वक्फ की संपत्तियों का विकास और देखभाल हो सके। देश में दूसरी ऐसी कोई भी सेक्शन 25 संस्थान नहीं है जो टैक्स पेयर्स के पैसों का इस्तेमाल किसी विशेष मजहब की निजी संपत्तियों का देखभाल करने के लिए की गई हो। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि हम जानते हैं कि एक समिट में प्रशासनिक फैसले नहीं लिए जाते, परंतु आपको इतना भरोसा दे सकती हूं कि यदि किसी कारण से देश के दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों के साथ भेदभाव होगा तो हम इसे निष्क्रिय करने का काम करेंगे, हम समानता स्थापित करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूं कि सभी भारतीय कानून के नजर में समान है। स्मृति ईरानी ने रिपब्लिक समिट में हिस्सा लेते हुए यह भी कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय खतरे में नहीं है, अपितु अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले अब खतरे में हैं। उनके अनुसार कांग्रेस अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों में डर फैलाकर उन्हें अलग थलग करने की कोशिश करती है। कांग्रेस ने हमेशा इस देश में धर्म के नाम पर राजनीति की है। यदि कांग्रेस के इस तरह के निर्णयों से जनता खुश होती तो लोग कभी भी प्रधानमंत्री मोदी को अपना समर्थन नहीं देते। लोगों ने दो बार उन्हें बदलावों के लिए ही अपना समर्थन दिया है और बदलाव होते जा रहे हैं। परंतु स्मृति ईरानी इतने पर नहीं रुकी। उन्होंने बातों ही बातों में यह भी बताया कि कैसे इस्लामिस्टों के कारण कई लोग चैन से बाहर भी निकल सकते। यहां उनका संकेत भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की ओर ही था। स्मृति ईरानी के अनुसार देश में ऐसे मौके भी आए जब एक महिला को अपने घर में कैद हो जाना पड़ा क्योंकि वो एक टीवी डिबेट का हिस्सा बनी थी। इसलिए आप इस तरह की बातें ना करें जिससे मेरे विरुद्ध भी इस तरह का वातावरण तैयार हो। इस पर शो को होस्ट कर रहे अर्णब गोस्वामी ने कहा कि आपके विरुद्ध तो पहले भी ऐसी बातें हुई है और आपको तो धमकियां भी दी जाती रही है। इसके अलावा स्मृति ईरानी ने अल्पसंख्यक के नाम पर हो रही राजनीति और अवधारणा पर बात की। उन्होंने कहा कि देश में मुस्लिमों को ही अल्पसंख्यक माना जाता है, सिख, पारसी और दूसरे धर्मों की चर्चा ही नहीं होती। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी पार्टी का हिस्सा हूं जो इस धारणा को दूर करती है। वे गलत भी नहीं है। बतौर अल्पसंख्यक मंत्री इन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो सुनने में कई लोगों को अतार्किक लगे, परंतु अंत में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के विरोध में जिस तरह से भाजपा मोर्चा संभाले हुए है उसी के अनुरूप उनकी कार्यशैली भी रही है। ऐसे में यदि राष्ट्रीय वक्फ बोर्ड के विरुद्ध ताबड़तोड़ एक्शन लिया जाता है तो किसी को भी चकित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें।